अगर आप कार और बाइकों के दीवाने हैं तो नया साल आपके लिए खुशखबरी लेकर आएगा। 6 फरवरी से गाड़ियों का महाकुंभ यानी ऑटो एक्सपो 2020 का आगाज होगा। 6 फरवरी से 12 फरवरी तक यानी पूरे 6 दिनों के लिए ग्रेटर नोएडा की इंडियन एक्सपो मार्ट में ये मेला लगेगा, जिसमें कार और बाइकों के दीवानों को न सिर्फ कारों के नए नए मॉडल्स देखने को मिलेंगे बल्कि एक से बढ़कर एक बाइक्स के भी दीदार होंगे। देश और विदेश के ऑटो निर्माता अपनी अपनी गाड़ियों को न सिर्फ शोकेस करेंगे बल्कि फ्यूचर में आने वाली कारों के प्रोटोटाइप और या कहें कि कॉन्सेप्ट मॉडल्स भी दुनिया के सामने रखेंगे। देशी कंपनियों की बात करें तो मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स ऑटो एक्सपो 2020 में अपना दमखम दिखाएंगी। वहीं विदेशी कंपनियों जैसे ह्यूंडई, स्कोडा, किया मोटर्स, फॉक्सवैगन अपनी नई गाड़ियों के साथ इस एक्सपो में मौजूद होंगे। हालांकि उन लोगों को ऑटो एक्सपो 2020 से थोड़ा निराशा हाथ लगेगी क्योंकि होंडा, टोयोटा, फोर्ड, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, लेक्सस, वॉल्वो और जैगुआर लैंड रोवर की गाड़ियां इस एक्सपो से नजारद होंगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि इन कंपनियों ने एक्सपो में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। जहां मारुति इस एक्सपो में अपनी BS6 और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को पेश करेगी, वहीं ह्यूंडई नेक्स्ट जनरेशन क्रेटा, वर्ना और टुशो को पेश कर सकती है। टाटा मोटर्स भी ऑटो एक्सपो 2020 में हाल ही में पेश की गई अपनी नई कार अल्ट्रॉस के साथ उतर सकती है। साथ ही कंपनी नेक्सॉन ईवी की कीमतों का ऐलान भी कर सकती है। अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो कंपनी अपनी नई और नेक्स्ट जनरेशन XUV 500 और थार को पेश कर सकती है। वहीं अपनी पहली कार सेल्टॉस के साथ भारतीय कार बाजार में धमाका करने वाली कंपनी किया मोटर्स अपनी MPV कार्निवल को एक्सपो में उतार सकती है। एनजी मोटर्स अपनी इलेक्ट्रिक कार EZS के साथ उतरेगी। वहीं जर्मन कार मेकर स्कोडा MQB AOIN प्लेटफॉर्म पर बनी SUV को इस एक्सपो के जरिए भारतीय बाजार में उतार सकती है। इसके साथ ही कंपनी ऑक्टेविया और सुपर्ब के फेसलिफ्ट वेरिएंट्स को भी दिखा सकती है। मर्सिडीज बेंज ऑटो एक्सपो 2020 में अपनी इलेक्ट्रिक कार की रेंज को पेश कर सकती है। साथ ही कंपनी GLS, GLE और GLB गाड़ियों को शोकेस कर सकती है। ऑटो एक्सपो 2020 में 150 cc से लेकर 1200 cc तक की बाइक्स भी लॉन्च होंगी। इन सब में जो खास होगा वो होगा उनका BS6 इंजन, क्योंकि भारतीय बाजार में 1 अप्रैल 2020 से सिर्फ BS6 गाड़ियां ही बिकेंगी।